क्यों नहीं आसू कहाँ कौन में कौन कौन में नीचे में नहीं हुआ। मित्रों जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ सभी देवी देवता जो है वो बुला लिए गए हैं। आसपास के मंदिरों से सभी देवी देवता जो है वो यहाँ पर आ गए। अगर अगर कोई है तो अपने देवी देवता को आए और प्रमाणित करे। ये देवता है, ये सभी देवी देवता जो यहाँ पर बुला लिए गए हैं और सभी देवता आ गए हैं और ये प्रमाणित की जा रहा है। ये प्रमाण हो गया है सभी मित्रों के। अगर इसको आप चाहता है कोई, अगर इसे चाहता है कोई, इसके साथ चैलेंज करना चाहता है तो कोई कर सकता है आगे। और इन्होंने प्रमाण जो है वो यहाँ सभी देवी देवताओं को बुला के कर दिया है कि सभी देवी देव जो है वो यहाँ पर आ गए हैं और सभी मंदिरों के देवी देवता यहाँ आ चुके हैं। तो जितने भी हमारे दादा मेरी पहचान दे, शिव बुला रहा है आजा। आज क्यों छिप रहा है मासू? क्यों छिपा चुड़ेश्वर? अब रुक जा, अब सुन शेरगुल, ऊपर पे वहां पे चूड़धार में चूड़े पहना। तू तो पाप था ना, बता तू पाप था ना? लीड होनी है गिरी। तू तेरे को मुक्ति चाहिए ना? आज अवतार बनना ना। आज तक था अवतार, आज तक तेरी पहचान थी, आज होगी मैं करवाऊंगा। सुन अब तेरे को मैं मुक्त करता हूँ। किससे? उस रुक चलो, तेरे को मैं मुक्त करता हूँ तो तेरे को श्राप मिला था, आज तू अवतार बन गया 26 कृष्ण का। तू भी यार, तू मंगलेश्वर पहला स्थान है ना? तू बता है इसका पहला स्थान है? तुम इसके साथ बैठते हो ना? बैठ मंगलेश्वर। अब नीचे सभी देवताओं का आगमन यहाँ पर हो चुका है। अब कहा देवे के बगैर बुलाता हूँ मैं अपने कुलिष्ठों को। बिल्कुल सही कहा देवे? नीचे देवे, बिल्कुल सही। हिंदू धर्म, नीचे मुस्लिम धर्म, नीचे सिख धर्म, नीचे ईसाई धर्म, बहुत जैन नीच, जिन्होंने धर्म बनाया सबसे नीच काम किया। अगर वो इंसान बनाते ना सबसे उच्च काम था। हिंदू बोलता है मैं सोच तब क्यों सभी देवी देवताओं का आगमन यहाँ पर हो चुका है और सभी देवी देवता यहाँ बाबा बालकनाथ जी भी आए हुए थे और सभी देवी देवता आसपास के जितने भी देवी देवता हैं क्षेत्रीय गांव के वो सभी देवी देवता यहाँ पर। प्रमाण है, अब इन्होंने अपना प्रमाण यहाँ पर दे दिया है। कोई यहाँ प्रमाण? अब अगर किसी को प्रमाण चाहिए हो तो अभी बोल सकता है, आ सकता है वो। अब बाद में वो सारे कुलिष्ठ, सारे मीडिया वाले, सारे देवठी वाले यहाँ, मैं खुला ऐलान करता हूँ। ले आओ सबको ले आओ हर जगह से देवे ले आओ। कोई देवे को बुला लो, मीडिया वाले को बुला लो, सबको बुलाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही, शिव को प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी। आज प्रमाण मांगा गया तो मैंने दे दिया। बिल्कुल सभी देवी देवताओं को यहाँ पर आगमन करके सभी आप सभी मित्रों के सामने लाइव दिखाया है इन्होंने, लाइव दिया है इन्होंने कि सभी देवी देवता सभी मंदिरों से जो वो यहाँ पर आ चुके हैं। अगर किसी जातियों को, किसी धर्मों को और प्रमाण की आवश्यकता है तो वो आके यहाँ पर इस समय बात कर सकता है और बाद में जो है वो इशू का मेरा इशू मसीह का मेरा इशू वो भी आता है, वो भी नहीं है, वो भी देवे की तरह आता है। इशू का मेरा इशू किसी में भी यार तू आसमान दे शिवा दे प्रभा मंगलेश्वरी इशू है। ये आ गया इशू, ये इशू मसीह आ गए हैं और ये सभी देवी देवता जो हैं वो यहाँ पर आ गए। ये भी सब हिस्ट्रीग्रस्त है, है ना? डॉक्टर के पास लेके जाओ उनके पास। कौन है वो डॉक्टर जिसने इनके बारे में हिस्ट्री जाकर सीखा?
कोई बच्चा अपने आप को अवतार बोल सकता है? तू बोल सकता अपने आप को? नहीं कह सकता। तो शक्ति दिखी तू ना खुद? बिल्कुल, मेरे को जो जिस तरह से यहाँ पर देखे प्रमाणित हो रहा है कि आपने अपना प्रमाण दे दिया है। और अगर किसी को किसी भी देवी सभी के देवी देवता यहाँ पर आ चुके हैं, गंगा देख लिए, किसी किसी भी तो नीचे बच्चे बोल देते नहीं देखो गंगा नीचे गंगा बिल्कुल ऐसी मजाक उड़ाई गई कि उन बच्चों को मैं से बोल देती ना दिखाओ तो बच्चे पता क्या बोलते कि नीचे देखो जी गंगा आजा आजा गंगा आजा किसी में भी आजा तू आज मैं आदेश दे रहा हूँ तेरे को आजा मेरे आजा गंगा मेरा मान रख ले मेरे सिर मत आजा आजा दो मिनट आए दिया दी दो मिनट आए दिया दी गंगा बन कर आ रही तेरा आजा गंगा 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 प्रमाण दे दे मेरा बहुत बुरा होगा गंगा मेरी परीक्षा मत ले आज आज यहाँ वाले भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं तू आजा 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 गंगा गंगा गिलास पकड़ गंगा से पवित्र बहनी है और गंगा अभी आएगी दिखा प्रमाण गंगा बिल्कुल सही कहा आपने अब सुन सुन लो सब सुन अब सुन अब वो आज नहीं जगह बोल दिया नाका है भाव ना मंगलेश्वर 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 जिस जल को मैं छू लूं गंगा बन जाए अब और चाहिए बिल्कुल आपने अपनी तरफ से बांध दिया और क्या प्रमाण चाहिए मैं धनी नहीं हूँ ना मुझे इतना धन का ज्ञान है लेकिन जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि सभी ने देखा कि सभी के देवी देवता जो यहाँ पर आ गए इससे प्रमाणित जब सभी लोग प्रमाण कर रहे हैं सभी यहाँ पर इतने लोग आगे प्रमाणित कर रहे हैं प्रमाण अब तू एक काम करियो चुप चुप तू एक काम करियो एक अभी फेसबुक पे प्लान के खिलाफ अगर तू इंसान है तेरे बच्चे थे ना ये मैं अब यहीं से तेरे बच्चे थे ना ये बिल्कुल तेरे बच्चे की बिल्कुल तो उन्होंने किया ना गलत बिल्कुल मैं सभी से सभी सुन रहे हैं अलग के तारा दत्त जी की बात हो तारा दत्त दिनेश जी की बात हो रही है कि ये यहाँ पर आए और तुरंत आए और यहाँ पर जो परिणाम है जो भी इनकी जो भी है वो आज को 8-9 बजे हमारे कदम काने की यहाँ से शिफ्ट कर तो काला मंडी शिव को अगर इस शिफ्टिंग केस हुआ था थी ना तो ऊपर केदारनाथ को अच्छे था श्रीखंड को ऊपर चला जाता सीधे हाथ पे छुड़ता उसको पे बाल अगर शिरा से जाएगा को सारे प्रशासन वाले हिमाचल के बिल्कुल इनका कहना है यहाँ प्रशासन जो है वो रात को धमकाने आता है और इनको धकाया जाता है यहाँ पर और जैसा कि आप सभी मित्र देख रहे होंगे कि गरीब घर है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत ही गरीब से हैं सभी लोग श्री छोड़ और जा श्री छोड़ का भी आप ये बताएगा कौन जगह श्री छोड़ जाति कौन सी है चल मैं हूँ शिव की नहीं हूँ देख रहा हूँ दुनिया के सामने है और ये सही है रुक जाओ चुप
शिव है ना, मैं हूं तू क्षत्रिय ना, वो के जात ब्राह्मण ब्राह्मण बिल्कुल जात पात क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खुद लड़ रहे हैं। पानी पीला क्षेत्र देख पानी पीला मेरा कोई रूप नहीं है, मैं अनंत हूँ और मैं अनंत है। देवो देव कौन हूँ? शिव बोले और मेरा रखो नाम है मेरे कारण तुम हाँ तू किसका कहना है मेरा बैरर गण शिव का किसका गण है? मैं सभी सभी जितने भी जो शांत हो जाओ, मैं देख के कराऊं देख के कराऊं चुप रहो क्योंकि दुनिया को पता लगा जी सच्चाई क्या है। बिल्कुल ये इनका कहना है कि जो पके जो भी यहाँ के नजदीक है शर्मा फैमिली के भी है वो वही वही तो कई बार आएंगे जिनको पास है वो आइए और नहीं तो नहीं। बुलाया किसे? शिव के सामने तुम कौन है? बोल चुप रहो। शिव के सामने कौन बोल रहा है? शिव के सामने किसी को गाय मैंने जितनी आप बताओ। अब एक बात बताता हूँ, गाय को माता कौन बोला? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गाय को सड़क पे क्या डाला है? बीच ने अच्छा और हमारा मत्स्य अवतार है हिंदुओं का मदी खाता कौन है? कौन है नीच? मुस्लिम नीच है। उसको किसने बोला कि गाय को काटे? कुरान में लिखा गया किसी की जान लेना सबसे बुरी बात है। और यीशु मसीह ठीक है बाइबल में लिखा गया है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नीच काम है क्योंकि यीशु में अर्ध अवतार और साईं भी था मेरा ग्यारहवा अर्ध अवतार और दोनों एक जैसे है। उनका पहना एक जैसा था लेकिन साईं पहन रहा सिर पे पगड़ी वो पहन रहा और यीशु नहीं पहन रहा बातें थी एक जैसी हुआ धर्म वाले वेद वाले। अब रामायण की बात हुई थी ना राम को किसी ने देखा? रामायण का पता किसको? तो कैसे माने मेरे को का किसी ने? तो कैसे माने शिव जब तक प्रमाण ना मिले? आज मिल गया अभी तो छोटा सा मैं भी ये तो कुछ नहीं है ये तो बहुत बड़ी बातें हो पूरा आया हूं ना बहुत बड़ी बड़ी आया पूरा जो गाना चाहता हो मैं पूरा आया हूँ साथ किससे ना बोलते हैं कि शिव जब अवतार लेगा तो कभी नहीं बोला कि मैं अवतार हूँ कभी नहीं बोला कृष्ण मैं क्या अवतार हूँ सर मैं आज आके बोलता हूँ शिव ने आज से पहले कभी अवतार नहीं लिया मैं शिव आया हूँ या कभी भी शिव ने अवतार शिव आया कभी शिव बने आज आया हूँ प्राण की जरूरत है सबसे बेवकूफ है जिन्होंने फोन बनाया ना काम आज बच्चे करके फोन की वजह से माँ को माँ को बहन माता कौन सा? बिल्कुल मैं सभी जो यार के लोग जो धर्म का प्रमाण देना चाहते थे और चाहते हैं वो मैं चाहता हूँ बड़े बड़े विद्वानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि बड़े विद्वान यहाँ पर आए जो तांत्रिक जो भी जिसे कहते हैं कि जितनी भी शक्तियां जो भी हैं सभी देवी देवताओं का यहाँ पर जो आगमन हो चुका है और सभी मंदिर जो है इस टाइम खाली हो चुके हैं और कोई भी बिल्कुल और वहाँ जो भी कोई बातें गलत भ्रांतियां ना लाए और जो कुछ जिस किसी को कहना है जिसके बारे में करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और आज के जो वो शाम तक कहना है कि हम आज तक इंतजार है जो है वो यहाँ पर बिल्कुल पीठ के पीछे इनका कहना है जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप भी आपको चाहिए प्रमाणित करना चाहते हैं वो आपके बिल्कुल हमारे आसपास के इतने भी मंदिरों के देवी देवता हैं बिल्कुल शाम के टाइम पे लड़ाई झगड़ा करने आते हैं कहने का मतलब है और जो यहाँ आ चुके सभी मंदिर बिल्कुल और जितने भी गाँव लोग हैं पार के इनका कहना है कि यहाँ पर आए और हम प्रमाण करके दिखाएंगे बिल्कुल हम जो है वो इसका प्रमाण देंगे आपको कि देवता जो वो यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर
चुके हैं। बिल्कुल नाम की बोला आप खुद बताओ गैंग बना पता क्या बोले सुन लो दुनिया वालों सुन लो क्या बोला क्या गांव वालों ने आने जा वो 40 बंदे जाएंगे ना एक साथ बोले आधा शिफ्ट उधर जाए ऐसे ही चुप लो शांत आधे से शांत आधे से ज्यादा शिफ्ट उतर जाओ देख के ही है ना और जब करके ही गिरने के ड्रामे तो मारेंगे थप्पर शिफ्ट को और शिफ्ट को नंगा घुमाएंगे सड़क पे और एक शिफ्ट को घुमाएंगे नंगा अपनी शिफ्ट को मारा नंगा उन्होंने मेरे बनी बात थी शिव को मारा मेरा प्राण शरमती ब्राह्मणों को सभी मित्रों से मैं आग्रह करना चाहूंगा जितने भी हमारे मित्र सुन रहे हैं जो प्रमाण जो भी विद्वान हैं बड़े बड़े वो सभी लोग जो वो मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं जितने भी संगठन हैं दान संगठन हैं मैं उन सभी संगठनों से कहना चाहता हूं कि देखिए सभी जो सभी मंदिर जो हैं वो खाली हो चुके और भी जो मंदिरों के देवता वो सभी यहाँ आ चुके हैं जो यहाँ के जितने भी आसपास के देवी देवता हैं सभी बिल्कुल मैं देखिए सारी जनता तू लग गया गाँव वाले बोलते नहीं आते हैं वो फिर गलत गांव वाले अभी तक नहीं आए प्रमाण गांव वाले पता कैसे आए यहाँ आग लेके और बार बातें बना दी कि शिव तो नीच घर में गया नीच को गया शिव वो चुन हो सकता और अगर उनके ब्राह्मण कुल में था ना तो पार ऊपर मंदिर पे बिठाना था शिव को गाँव कहीं करना था कि क्या बोलते है शिव को बोलते कि नीच घर में आए नीचे गिर गया शिव दूसरी बात कि कृष्ण कौन सा उसके घर में था कृष्ण रहा था कंस के घर में राक्षस के घर में ब्राह्मण क्या बोलते यहाँ के अरे इतनी बातें तो अच्छी थी लेकिन जात पात की बात कर दी जा बड़ा बुरा कर दिया तो कृष्ण को जाके पूछो बिल्कुल कृष्ण को बिल्कुल सभी जो मंदिरों के बड़े हैं जो अपने आप को बातें करते धार्मिक इनकी मैं उनसे सभी से आह्वान करता हूं कि आएं और अपने धर्म की रक्षा के लिए जो है आप जिस तरह को भी जिस तरह से समझते हैं पूछने भगवान यहाँ पर सभी आए हुए हैं तो सभी का बनता है कि यहाँ पर आना अगर कोई इसको सोचे कि हम वहां नहीं आएंगे तो हमें आना पड़ेगा और करना पड़ेगा तो आप सभी लोग जो वो आए अगर आप सभी लोगों में है इस तरह का आने की शक्ति है तो आप आए बिल्कुल तो और रात को जो है वो यहाँ पर इनका कहना है रात का गुंडे तत्व के शरारती तत्व यहाँ पर आते हैं इनका कहना और वो हुड़दंग मचाते हैं तो अभी इनका कहना है कि अभी आएं और अभी जो है वो जो भी उनको प्रमाण चाहिए हों जो भी वो कहना चाहते हों इस बात को तो वो आके यहाँ कहें मैं सभी जितने भी संगठन धार्मिक संगठन है जितने भी हमारे हिंदुत्व के संगठन है सभी संगठन के सभी मंदिरों के देवी देवताओं के जो हमारे प्रचारक हैं देवे हैं मैं सभी से आवेदन करता हूं कि जितने भी हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान के मैं सभी से आवेदन करना चाहूंगा कि शाम तक मैं दूसरी बार थोड़ी देर बाद लाइव आऊंगा जब आप लोग आ जाएंगे मैं सभी मित्रों को जो है वो जब हमारे यहाँ के देवी देवताओं के जो प्रचारक हैं वो आ जाएंगे उसके बाद मैं आप सभी के पास लाइव आऊंगा हम तब तक के लिए हम उनका इंतजार करते हैं और आप सभी मित्र जो है वो उनका इंतजार करें कि वो उन लोगों का इंतजार अगर वो आते हैं और करते हैं तो ठीक है अगर नहीं है तो फिर जो भी है सब आपके सामने है सभी लोग समझदार हैं और जय भोलेनाथ वंदे मातरम जय हिंद सभी मित्रों को